हमने श्रीमान डीटीओ साहब के आदेश से चुनाव में गाड़ियां लगाई थी, जिनका पेमेंट 2.5 महीने हो गए, हमारा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इसके लिए हमने डीटीओ साहब को और एसडीएम साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है, कल या परसों हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जबकि चुनाव कार्य में लगे जितने भी सेक्टर ऑफिसर थे उनका पेमेंट हो चुका है, और जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी लगे थे उनका पेमेंट हो चुका है, मगर वाहनों का पेमेंट रोका गया, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। क्या कारण है रोकने का, ये तो सरकारें बता पाएगी। हमने श्रीमान एसडीएम साहब से जवाब मांगा था इसका, तो एसडीएम साहब ने हमारे को बोला है कि अभी तक ट्रेजडी में पेमेंट नहीं आया, इसलिए आपका पेमेंट रुका हुआ है। हमारा पेमेंट ही क्यों रोका गया? पेमेंट अगर रोकना था तो सभी का रोकना था। सेक्टर ऑफिसरों का पेमेंट क्यों दिया गया उनको, जबकि एक एक डेढ़ डेढ़ लाख तन का मिलती है, हम 10-12 हज़ार के मजदूर है, जब भी हमारा पेमेंट रुका। कितना भुगतान है, कितनी गाड़ी लगी थी आपके चुनाव में? किशनगढ़ विधानसभा में कम से कम 58 या 60 गाड़ी लगी थी, जिनमें से अभी किसी भी गाड़ी का पेमेंट नहीं आया। कितना पेमेंट देना था, कितने में तय हुआ था? एक गाड़ी का पर डे का 1100 रुपये प्लस डीजल, तो डीजल तो हमारे को आत्महत्या दे दिया गया था, मगर 1100 रुपये पर डे के हिसाब से हमारी जो मजदूरी बनती है वो हमारे को अभी तक नया पैसा नहीं आया। कितने दिन रहे आपके वाहन में? करीब 1 महीने सभी गाड़ियाँ लगी है। अब क्या आश्वासन दिया जाए आपको? आश्वासन मैडम ने यही दिया है कि हम आपकी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे और जो भी सूचना होगी दोबारा आपको दी जाएगी। ठीक है, आपका नाम? रामगोपाल यादव, राजस्थान टैक्स हेल्पलाइन, जिला अध्यक्ष रामगोपाल यादव।